थोड़ा कनार देखे उजागर में जा। अब मैं बताता यार मैं कहाँ पहुँचा हूँ, तो अब तक उत्तर भी प्राथमिक विद्यालय में क्या तुमने पहुँचाओ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपने कहा ये तो क्या होगा ढाई किलोग्राम इधर जैसे कि मैं बता जा रहा हूँ स्कूल खुल गए घर में सो गया है, खाली हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में, मुझे भी मसला नहीं है। बच्चे से पूछा तो क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते आप लोग, अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई? स्कूल में पढ़ने तो आते नहीं है, लेकिन करने भी बहुत तकलीफ होते हैं। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? पानी वहाँ बहुत दूर जाने पड़ता है। और इधर दिखाए कैमरा मैन, इधर आ रहा हूँ देखिए, अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार, ये देखिए क्या क्या है लैट्रिन में, अब देखिए यह है लैट्रिन कैसा है, स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान तो कैसा है स्कूल है, बच्चे को बाहर भेजते हैं कैसा है स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग, और तो गया हम कैमरा मैन उधर से करे चपाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है, चपाकल में अभी कोई नहीं हुआ है। देखे पानी पीने का व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग, यह देखिए जंगल है स्कूल में कैसा है, यह सरकार है कैसा ध्यान, अब इधर जा रहा है अब बताता जा रहा हूँ इधर से क्या कैमरा मैन रूम में क्या भरा है, देखिए यह रूम में क्या भरा है, देखिए ये रूम में क्या है कुट्टी भरा है, और तो क्या कैमरा मैन इधर में खाइए देखे घर का रूम है, यह स्कूल का रूम है, क्या देखे स्कूल में चोरी का व्यवस्था है, कैसा स्कूल है भाई अभी देखिए कैसा स्कूल, क्या बच्चे लोग पढ़ने नहीं आता है, सब कैसा पढ़ने नहीं आता है, बोले क्यों नहीं आता है पढ़ने आप लोग, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है और लैट्रिन भी खराब है और पानी भी का व्यवस्था नहीं है, कैसा सोचा क्या कर रहे हैं आप लोग कि लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है, क्यों चप्पा की व्यवस्था नहीं है, कभी कभी व्यवस्था है एक भी टीचर नहीं स्कूल में, अभी टाइम हो रहा है 12:45 होता होगा,